हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पीरियड एज ए लॉन्ग पीरियड। सही सुना माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग पीरियड का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग पीरियड। जैसा कि मान को लॉन्ग पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जब हमारे मार्केट इकोनॉमी में किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस के डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस एक लॉन्ग टाइम के बाद होते हैं। अर्थात किसी भी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस के मार्केट डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंजेस फ्यू ईयर्स में होती है, यानी जब इस तरह के चेंजेस होने में फ्यू ईयर्स लगें, कुछ साल लग जाएं, तो इस तरह के पीरियड मार्केट पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ओके मैं सेम, तो इसका इम्पॉर्टेंस लॉन्ग पीरियड का यह है कि जब मार्केट में किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस के डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होने में फ्यू ईयर्स लग जाएं, तो इस तरह के कंडीशन या टाइम पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ओके मैडम, अगर हम लॉन्ग पीरियड का ग्राफ अगर बनाना चाहें तो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस। तो जब हम क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांड सप्लाई, जब क्वांटिटी सप्लाइड और एंड डिमांडेड और प्राइस के बीच में हम लाइन खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई लाइन एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट या मार्केट पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड में किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का मार्केट प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई के इक्वलिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि उस पार्टिकुलर गुड सर्विस का मार्केट में प्राइस क्या होगा। ये कब होगा? जब जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई उस पार्टिकुलर गुड सर्विस का इक्वल हो। ओके मार्शल्स, तो आज हमने चर्चा किया इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड का हमारे मार्केट इकोनॉमी में क्या महत्व है। इससे एक इसका मेन इम्पोर्टेंस यही निकलता है कि किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का लॉन्ग टाइम तक प्राइस सेम बना रहता है। इस लॉन्ग पीरियड का इम्पोर्टेंस यही है कि लॉन्ग टाइम तक किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्राइस एवरेज वही बना रहता है, बहुत ही कम फ्लक्चुएशन आइदर इंक्रीजमेंट के रूप में होता है या डिक्रीज में। ओके मैडम, तो आज हमने चर्चा किया इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग पीरियड इन ए मार्केट। ओके मैडम, अगर आपको इसमें से कहीं से भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल पे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ना सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया चौगनी तरक्की कर, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो माई वीडियो टू योर फ्रेंड बाई डिफरेंट मीन्स ऑफ सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, क्योंकि ऐसा करने में आपका तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ते। और मेरा मानना है कि ये मेरे वीडियो आप तक बड़ी मेहनत से फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाता हूँ, और ये वीडियो आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव, स्टूडेंट्स, आपके कोई भी हो, आप उनके लिए आया, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट्स स्पॉइल। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी समय, फिर मार्केट एनालिसिस के अंतर्गत, फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से, फॉर योर कंसर्न। और कल हम आपके सामने चर्चा करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके मैडम, ये कल का टॉपिक एडवांस हम बता रहे हैं। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर किसी नए टॉपिक से मार्केट एनालिसिस के अंतर्गत, या फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड महादेव एंड जय।